मेहमान आया था कोई? नहीं, मेहमान तो कोई नहीं है। यही सुनना चाहता था मैं तुमसे। तुम क्यों बताओगी कि फखर आया था या नहीं? फखर तो आया था, लेकिन वो मेहमान तो नहीं है ना। आप ही तो कहते हैं वो घर का बेटा है। तंज कर रही हो मुझे? आप खाना तो खाएं। सारे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जब से मुझे उसने बताया कि तुम लोगों ने क्या सलूक किया उसके साथ, मेरी भूख ही उड़ गई। उसका फोन आया था। तो क्या करता और? जब किसी को हमदर्दी की जरूरत होगी तो किसी हमदर्द को ही ढूंढेगा ना। काश मैं आपको बता सकती कि उसने क्या क्या किया है। क्या किया? गोली मार दी तुम माँ बेटियों को? क्या किया? अरे अपनी मोहब्बत में तुम लोगों से मिलने आया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो नफरत करती हो उससे। वो सब क्या रखा है? फखर लाया था। कितनी कीमती चीजें हैं, लेकिन तुम मां बेटियां तो नाशुकरी की नाशुकरी हो ना। कोई है ऐसा दामाद जो शादी से पहले ससुराल पे इतने पैसे लुटाए? यही तो फिक्र है कि ऐसी क्या मजबूरी है। चाहत में लेकर आया है वो, और तुम लोगों ने सीधे वो बात नहीं की उससे। अगर आप घर पर होते तो मैं देखती कि उसकी हरकतों को नजरअंदाज करके आप कैसे सीधे मुंह बात करते। मैं तो मुंतजर थी कि कहीं आप हुक्म ही ना सुना दें कि जाओ बेटा फखर आया है तुम्हें लेने। काश आप इतनी हिम्मत कर लेते। जब उसे मेरा हाथ पकड़ा तो खींच के थप्पड़ सीत कर दो। कसम से सारी जिंदगी याद रखती कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन आपने इतनी हिम्मत कहा, अगर आप में इतनी हिम्मत हो तो फखर मुझे मम्मी की अंगूठी ही क्यों पहनाता। कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।